हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? आज जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्शंस इन गैस्ट्रोपोर्स। ठीक है, टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोर्स आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर जो बीएससी एमएससी या फिर कोई यूपीएससी का मेंस लिख रहा हो या जेके पीएससी का मेंस लिख रहा हो जूलॉजी का, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स। अगर आपने टीचिंग बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले टॉर्शन पढ़ने से पहले हम गैस्ट्रोपोड्स देखते हैं, गैस्ट्रोपोड्स क्या होते हैं। गैस्ट्रोपोड्स का नाम गैस्ट्रोपोड्स क्यों पड़ा है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, गैस्ट्रोपोड्स का नाम गैस्ट्रोपोड्स इसलिए पड़ा है क्योंकि फुट इज जस्ट बिलो द स्टोमिक, क्योंकि जो उनका फुट होता है वो बिल्कुल स्टोमिक के नीचे होता है। आप देख सकते हैं, ये इसका फुट है और ये इसका स्टोमिक है, ठीक है ना। इसी की वजह से जो गैस्ट्रोपोड्स है, गैस्ट्रोपोड्स का नाम पड़ा है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसमें स्नेल्स आता है, स्लग्स, लिम्पिड्स, ये तमाम जो हैं और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि गैस्ट्रोपोड्स के अंदर आती हैं। अभी तक देखा गया है कि 35,000 लिविंग स्पीशीज जो हैं अभी लैंड इस दुनिया में हैं, और ये जो इनका जो हैबिटेट होता है ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैरीन भी होते हैं, ये इसका क्या है, हैबिटेट है। और आपको बताते चलें, जो हिलेक्स प्रोमेटिया है ये एक ऐसी स्पीशीज है गैस्ट्रोपोड्स की जो कि बहुत एज ए फूड यूज होती है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे टॉर्शन जो है हमारा टॉपिक। तो क्योंकि आपने गैस्ट्रोपोड्स समझ लिया, गैस्ट्रोपोड्स क्या होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स किसके अंदर, ये कौन से, ये क्लास किसके अंदर आती है, ये क्लास जो है ये मोलस्कस के अंदर आती है। देखिए जी, टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, वहां पे जो फर्स्ट सेम का जो सिलेबस के अंदर ये टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स जॉलजी के अंदर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्स के अंदर ये बहुत ही जरूरी, बहुत चांस इसके बनते हैं कि ये एग्जाम में आए। सबसे पहली चीज, फर्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो क्या देखना है, फर्स्ट All living mollusks show bilateral symmetry with mantle cavity lying posterior or laterally. सबसे पहली बात क्या है, कोई भी लिविंग मोलस्क है वो क्या शो करता है, वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है विद मेंटल कैविटी। और ये मेंटल कैविटी जो होती है या तो लेटरली होगी या तो पोस्टीरियरली होगी, पहला इसका करेक्टर यही है। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है वो ये है, जो मोलस्क होते हैं ये क्लास जो कि क्लास गैस्ट्रोपोडा, जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है ये मोलस्क के अंदर आती है, ये एसिमेट्रिकल बॉडी होती है विद एंटीरियर मेंटल कैविटी और स्पाइरली कोइलड होती है, कोइलड शेल होता है एंड पोस्टीरियर विसरल मास होता है। देखिए, विसरल मास की अगर हम बात करें, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको विसरल मास ही कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए डायग्राम देख सकते हैं आप, ये है मेंटल कैविटी, ठीक, ये है एनस एनस, ये है स्टोमिक और ये है इंटेस्टाइन, ये है माउथ और ये है फुट, ठीक है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो इनकी जो जो क्लास गैस्ट्रोपोड है मोलस्क के अंदर उनकी क्या होती है, एसिमेट्रिकली जो बॉडी होती है वो एंटीरियर मेंटल कैविटी। दिस पिक्यूलियर फीचर ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी बिकमिंग एसिमेट्रिक ड्यूरिंग डेवलपमेंट बाय ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास इज कॉल्ड टॉर्शन। अब क्या होता है, जो इसका विसरल मास है या जो स्पाइरल कोरल शेल है, मेंटल कैविटी है, इसमें क्या होता है, ये एक पिक्यूलियर जो फीचर है इसका, इंपॉर्टेंट जो फीचर है सिमेट्री बॉडी का, ये क्या बना देता है, ये एसिमेट्रिक बना देता है जब इसकी डेवलपमेंट होती है, जो विसरल मास है वो ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। जब ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास होगा, जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स होंगे जब वो ट्विस्ट हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं टॉर्शन। क्या कहते हैं, टॉर्शन। देखिए आप, आपको मैं यहाँ एग्जांपल से पता चल जाएगा ये एक प्रोसेस है किस तरह से होता है। पहले आप देखो, यहाँ पे एनस है, यहाँ पे जो है ये मेंटल कैविटी है, अब क्या हुआ माउथ यहाँ पे है ना, अब देखो ये किस तरह से इसकी चेंजिंग आई, ओके।
यहाँ पे सी पे जाके आप देखो पूरी ट्विस्ट होगी बॉडी। ये ट्विस्टिंग जो है, ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग जो होती है, इसी को हम कहते हैं, जो ट्विस्टिंग हो जाती है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, टॉर्शन हम इसी को कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये माउथ, एनस, मेंटल कैविटी, फुट, बी क्या हुआ, ये थोड़ा बहुत ट्विस्ट हुआ। अब जब फुली डेवलपमेंट हो गया तब जाके ये फुली जो ट्विस्टिंग आ गई इसकी बॉडी के अंदर। ट्विस्टिंग के क्या फायदे हैं, ट्विस्ट क्यों होता है, इसके भी हम आगे पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे हम। लेकिन हमें ये देखना है कि किस तरह से आगे इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या हो गए, वो ट्विस्ट हो गए। ओके, तो जो ये ट्विस्टिंग है, जो विसरल है और पेलिकल कॉम्प्लेक्स बहुत दोनों के अंदर होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है 180 डिग्री की, यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें आ जाती है, पोजीशन में आ जाती है, किसमें, जब टॉर्शन होती है गैस्ट्रोपोड के अंदर। टॉर्शन जो रोटेशन है इसमें किसकी रोटेशन होती है, जो इसका विसरल मास है, मेंटल है, शेल है, ये 180 होता है विद रिस्पेक्ट टू हेड एंड फुट, ठीक है ना। आप हेड से लेके फुट तक जो पूरा रोटेशन होता है मास का, ठीक है ना, मेंटल का, और जो शेल का 180 डिग्री का, उसी को हम क्या कहते हैं, ये टॉर्शन, टॉर्शन होता है। टॉर्शन इज रोटेशन ऑफ विसरल मास। सबसे पहली चीज ये है, जो टॉर्शन होता है ये विसरल मास का रोटेट हुआ होता है। ये देखिए आप किस तरह से रोटेशन होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो किस तरह से रोटेट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इंटरनल इंटरनल है, फिर किस तरह से कहाँ पहुंचे, और पूरा ट्विस्ट किस तरह हुआ, ये पूरी प्रोसेस मान जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग। क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग जब हो जाती है ऑर्गन्स अंदर के, तब हम बोलते हैं ये प्रोसेस है, ये टॉर्शन है। ये कौन सी प्रोसेस है, ये टॉर्शन, टॉर्शन की प्रोसेस है। टॉर्शन इज सीन इन गैस्ट्रोपोड्स व्हाइल कॉइलिंग इज सीन इन मोलस्कस। जो टॉर्शन है ये किसके अंदर देखी जाती है, ये गैस्ट्रोपोड्स के अंदर देखी जाती है, और जो कॉइलिंग होती है वो मोलस्कस के अंदर देखी जाती है। एक्चुअल जो ट्विस्टिंग है ये कहाँ कहाँ होती है, साइट ऑफ टॉर्शन क्या है, कौन सी जगह है जहां पे टॉर्शन होता है। एक्चुअली टॉर्शन तो मैंने बता दिया, जो ट्विस्टिंग होती है उसको हम टॉर्शन कहते हैं। होती कहाँ कहाँ पे है, नेक, इसोफेगस, कौन कौन सी चीज, जो चीज है जो ट्विस्ट होती है, और रेक्टम, आयोटा, विसरल नर्व लूप, मसल ऑफ शेल। हेड एंड फुट ऑफ दी गैस्ट्रोपोड रिमेन फिक्स्ड। हेड और फुट जो है ये फिक्स रहते हैं, लेकिन जो बाकी की जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बाकी जो हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर ट्विस्टिंग आ जाती है। हम ये कहते हैं साइट ऑफ टॉर्शन, इसीलिए हम पढ़ते हैं टॉस्ट ऑफ साइट ऑफ टॉर्शन। तो हम आपको बताएंगे जो लार्वा होता है, जब जब गैस्ट्रोपोड स्टार्ट होता है वो कैसा होता है, टॉर्शन उसके अंदर लार्वा कैसा होता है, बिफोर टॉर्शन, टॉर्शन होने से पहले जो बॉडी होती है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर वो कैसी होती है। देखिए वो सिमेट्रिकल बॉडी होती है, पहली चीज ये है। दूसरी, जो मेंटल कैविटी है फेसेस बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। तीसरी चीज क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, और सिचुएटेड इन मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी, जो एनस है वो क्या होती है, पोस्टीरियर होती है। पहले पहले देखो आप ये देख सकते हैं ना, पहले पहले आप देख सकते हैं, ये पूरा पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये देखिए पूरा। अब यहाँ पे एनस कहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है ना, लास्ट पे जाके कहाँ जाती है, इस तरह ट्विस्ट होके टर्न हो जाती है इस साइड में, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। बहुत सारे चेंजेस जो है यहाँ पे होती है। और क्या होता है, जो शेल है और विसरल मास है ये सिस्टर शेपर्ड बन जाती हैं। टू ऑरिकल्स प्लेसड बिहाइंड द वेंट्रिकल इन हार्ट। और जो नर्व सिस्टम है ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल होती है, कब, ये जब टॉर्शन होने से पहले जो लार्वा होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना। फिर एक बात देखिए, टॉर्शन पढ़ना है, टॉर्शन को समझना भी है, प्रोसेस ऑफ टॉर्शन क्या है। आप देखिए ए में, आप देखिए ए में क्या आएगा, एनस यहाँ पे है, मेंटल कैविटी यहाँ पे है, ये यहाँ पे इसका माउथ है, ठीक। अब देखो माउथ इसका इजी रहेगा, इस साइड आ जाएगा, ये पूरा ट्विस्ट होता है, बॉडी इसकी जो है ट्विस्टिंग हो जाती है। अब देखो किस तरह से पूरी ट्विस्टिंग इसकी बॉडी के अंदर आ गई, ठीक है ना। ये देखो ये फुट है, ये मेंटल कैविटी है, ये एनस है, ये माउथ है, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ टॉर्शन। एक बार आप किसी भी गैस्ट्रोपोड्स के अंदर देखो क्या क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। एडवांटेज क्या है, टॉर्शन तो हुआ, टॉर्शन के एडवांटेज क्या है, हो सकते हैं गैस्ट्रोपोड्स को, क्यों टॉर्शन जरूरी होती है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, वो हमें समझना पड़ेगा, तब।
सबसे पहले क्यों जरूरी है, एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? क्रॉलिंग विदाउट टॉर्शन हेड रिमेन आउटसाइड ऑफ शेल एंड प्रेडेटर्स में अटैक। अगर टॉर्शन के बगैर, टॉर्शन हुए बगैर अगर वो क्या करेंगे, वो क्रॉलिंग करेंगे, वो चलेंगे, ठीक है, समझ लो अगर मूवमेंट करेंगे या अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाएंगे, उसमें क्या होता है, उसका जो हेड होता है ना, हेड टॉर्शन के बगैर जो उसका हेड होता है ना, वो बाहर होता है, वो बाहर बॉडी की बाहर की तरफ से होता है। अब क्या होता है, जितने उसका हेड अगर बाहर होगा ना, जो प्रेडेटर होते हैं ना, प्रेडेटर उसको अटैक कर देते हैं डायरेक्ट। क्या करते हैं, प्रेडेटर उसको अटैक कर देते हैं। अब क्या हुआ, जब टॉर्शन हो गया, अब वो क्या करता है, जो अपना हेड है वो बिल्कुल बॉडी के अंदर ले आता है। इसमें क्या फायदा है कि जो प्रेडेटर्स है उसको अटैक नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज यही है, सबसे पहला बड़ा फायदा इसका यही है। और क्या होता है, ड्यूरिंग टॉर्शन प्रोटीनियस कवरिंग कॉल्ड ऑपरक्यूलम क्लोज व्हेन फुट इज डाउन इनसाइड टू इंक्रीज प्रोटेक्शन। क्लोज ऑफ ऑपरक्यूलम आल्सो रिड्यूस वाटर लॉस, सो नो डिसिकेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो टॉर्शन होता है, टॉर्शन के दौरान क्या होता है, एक कवरिंग आ जाती है ऑपरक्यूलम, जिसको हम ऑपरक्यूलम कहते हैं, जो फुट के जहां से जो है ना, फुट की तरफ से ये क्या होता है, ये कवरिंग जो है ये क्लोज हो जाती है। अब क्या करता है, जो ऑपरक्यूलम है वो पानी को अंदर आने में, वो क्या करता है, पानी को या अंदर लाने में या पानी को बाहर जाने में, दोनों को, जो जो बाहर जाएगा तो लॉस होगा, जो वाटर लॉस है उसको रिड्यूस करता है ऑपरक्यूलम, क्योंकि वो क्लोज हो जाता है तो बॉडी के अंदर एक मेंटेनेंस रहती है। तो ये जो मेंटेनेंस है ये तभी बन पाती है जब उसकी बॉडी के अंदर टॉर्शन होगा। अगर टॉर्शन नहीं होगा तो वो अपनी बॉडी के अंदर जो उसकी जो जो फुट साइड में जो प्रोटेक्शन है वो नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। अब जो प्रोटेक्शन जो होती है, जो उसको प्रोटेक्शन देती है ऑपरक्यूलम, जो कवरिंग होती है, वो प्रोटेक्शन किसकी वजह से आती है, वो टॉर्शन की वजह से आती है। अब आप उसके बाद हेड इन साइड शेल ड्यू टू टॉर्शन रिड्यूस टर्बिडिटी एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर दैट इंटर इन मेंटल। अब देखिए जो हेड है, हेड कहाँ होता है, शेल के अंदर होता है। हम देखते हैं एक बार, आपको दिखाते हैं फिर से दोबारा से कि हेड आप देखोगे कहाँ पे होता है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका माउथ है, ये इसका हेड है, ठीक है ना। अब ये इसका क्या आ गया, ये इसका हेड आ गया, ओके। अब क्या हुआ, अब होता क्या है, अब होता ये है, जो टॉर्शन की वजह से शेल के अंदर जो हेड होता है वो टर्बिडिटी को कम करता है, ठीक है ना। क्या करता है, टर्बिडिटी को कम करता है। और क्या होता है, और जो कंटेमिनेशन होता है, जो पानी की जो आलूदगी होती है, जो जहनी तौर पर दाखिल होती है, तो उसमें क्या होता है, वहां पे भी रिड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये फायदा है, ये टॉर्बिडिटी का, ये टॉर्शन का ये फायदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यकीन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसको फिर रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। अगर आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है टॉपिक जो हमारा है, जो हमने पढ़ा आज, टॉर्शन गैस्ट्रोपोर्स, ये जरूर समझ में आएगा। तो इसके जो नोट्स हैं, अगर आप नोट्स भी बनाओगे इसको, नोट्स अगर आप यही नोट्स बना के लिखोगे तो ये ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको दो तीन बार पढ़िए तो जो आपको ये है, ये टॉर्शन जो है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए आप टीचिंग बायोलॉजी, जो भी हमारे साथ जुड़ी रहिए, हम आपके लिए हर दिन कोई ना कोई टॉपिक जरूर लाएंगे बायो के रिलेटेड, ठीक है ना।